मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। वाराणसी में गरीब और असहायों की मदद के लिए प्रतिदिन समाजसेवियों द्वारा कार्य किया जा रहा है और उन्हें भोजन व राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं वाराणसी के गेट नंबर 5 फुलवरिया क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से गरीबों और असहायों में दिन प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है। उसी क्षेत्र में रहने वाले रेलवे यार्ड में मजदूरों को क्षेत्रीय लोग प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो रेलवे यार्ड में रहने वाले मजदूरों का ठेकेदार था, वह लॉकडाउन लागू होने के बाद फरार हो गया है और यहां पर मौजूद मजदूरों का कोई भी भोजन करने का साधन नहीं था, जिसे देखते हुए क्षेत्रीय लोगों ने प्रतिदिन गरीब मजदूरों को भोजन वितरित कर रहे हैं। लोगों के द्वारा लगभग 500 से कम 700 गरीब असहायों को अलग अलग भोजन वितरित किया जा रहा है। वही जिला पंचायत सदस्य रविंदर यादव कालिया का कहना है कि कुछ समाजसेवी पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाजसेवी ऐसा भोजन वितरण कर रहे हैं जो मजदूर गरीब असहायों भोजन खाने को नहीं बल्कि भोजन फेंकने को मजबूर है। भोजन वितरण करने के दौरान बद्री प्रसाद कनौजिया महानगर सचिव, कनौजिया समाज अनिल रावत, संदीप भारती, संतोष भारती, पंकज अजित, मनोज संदीप, अभिषेक कनौजिया तथा रविंदर यादव उर्फ कालिया आदि लोग मौजूद रहे। मैं रविंद्र यादव कालिया, जिला पंचायत सदस्य, इसी वार्ड से हूँ। रविंद्र, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लगभग 14 अप्रैल तक की स्थिति रहेगी। आप समाज सेवी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सहयोग आपके द्वारा गरीब और असहायों के लिए किया जा रहा है? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम खाना जुगाड़ कर रहे हैं और हमारा करीब 7 दिन से खाना बन रहा है और हमारे साथ 5 से 6 लोग हम लोग हैं और सब बगल के मोहल्ले के हम लोग के हैं। संदीप जी हैं, अनिल रावत जी हैं, बद्री प्रसाद जी हैं, अजीत महेशपुर, राहुल जी हैं, बबलू पांडे जी हैं, कई लोग अन्य लोग हैं, नाम नहीं हुआ। ये लोग सब मिल के खाना हम लोग मिल के सब बनाते हैं, अपने साथ लेके खाना जो गरीबों हैं सबको गरीबों को बांटा जाता है। कहीं के देखा जो कुछ लोग हैं जो ऐसा। मेरा नाम संदीप भारती। संदीप जी, आज आपने क्या किया और कहाँ पे ये और किस जगह पे? हम लोग जब देखा गया कि लॉकडाउन के पहले दिन ही जब देखे कि कई गरीब असहाय भूखे पड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने अनिल भैया और कालिया भैया के जरिए एक मीटिंग किया गया कि हम लोग आपस में मिलजुल के एक सहयोग किया जाए और भूखे लोगों को खाना खिलाया जाए। तब से हम लोग 7 दिन लगातार आज हो गया, हम लोग बदल बदल के हर प्रकार के व्यंजन उनको दाल चावल, कभी कभी पूरी सब्जी, कभी सब्जी चावल ये, और कभी तहरी, ये सब मिला जुला कर हम लोगों को खिलाया जा रहा है। क्या कोई समाज संस्थाओं के द्वारा या आप लोग को सहयोग? अभी फिलहाल कोई संस्थाएं? आपका परिचय? सर, हम ग्राम फुलवरिया पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी के निवासी, अनिल रावत नाम है सर। क्या किया जा रहा था फिर? सर, हमारे जिला पंचायत जी रविंदर भैया और हमारे बद्री बाबू, संदीप, हम लोग अपने क्षेत्र के निवासी, हम लोग सर देखे एक दिन हम लोग, क्योंकि कुछ लोग इधर जो डेली लेबर मजदूरा लोग हैं ये परेशान है, काम धंधा बंद हो गया इन लोगों का, तो हम लोग अपना मीटिंग किए, अपना आके देखे और उसके बाद सर हम लोग रहा नहीं गया इन लोगों का तकलीफ देखे। सर, हम लोग आज 7 दिन से सर लगातार इन लोगों का जो है खाना पीना का सर इंतजाम हम लोग कर रहे हैं।